वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ट्रिक्स और टिप्स से संबंधित आज हम कुछ और ट्रिक्स का जिक्र करेंगे, जिनकी मदद से आप अपने काम को और भी इम्प्रूव करा सकते हैं, आप अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम का हो सकता है। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि कौन कौन सी ट्रिक्स है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस डेटा को देखिए, मैं इस डेटा को समझाता हूँ आपको। यहाँ पे मेरे पास टोटल 9 आइटम है ना। 9 आइटम्स की सेल मेरे पास, मंथली सेल मैंने यहाँ पे डाली हुई है, लेकिन ये सेल गलत डाल दी, ये कोमा सेपरेटेड सेल डाल दी। 12 मंथ की सेल है, जनवरी में 12, फरवरी में 25, मार्च में 20। ये सीडी की सेल है, मंथली, रैम की, माउस की, सभी की मंथली सेल है। हमने इनका टोटल कराना है, तो किस प्रकार से करेंगे? आप सम कराओगे, है ना, इक्वल सम करा लेंगे हम इनका सभी का। देखो, इसका हमने सम कराना है, क्या आएगा यहाँ पे? जीरो रिजल्ट आएगा, सम नहीं होगा इसका। क्यों नहीं होगा सम? क्योंकि सम को वैल्यू चाहिए, नंबर्स चाहिए। यहाँ पे देखो, इक्वल सम, और ये कह रहा है नंबर्स, है ना, नंबर वन, नंबर टू, नंबर डालने पड़ेंगे। जबकि जब हमने यहाँ पे कोमा सेपरेटेड वैल्यू ली है, तो ये एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट है। तो पहले तो हमने इनको टेक्स्ट से नंबर में करना पड़ेगा, और नंबर में भी कर लेंगे तब भी हमारे एक सेल का सम कैसे करेंगे? उसके लिए हमने इनको स्प्लिट भी करना पड़ेगा, है ना। अलग अलग कॉलम में स्प्लिट होंगी तो आराम से सम हो जाएगा। अब ये कॉमा सेपरेट हो सकती हैं, स्पेस हो सकते हैं, डैश हो सकते हैं, कोई भी डेलिमीटर हो सकता है आपके पास, सभी का एक ही सॉल्यूशन है। वो हम करेंगे टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन से। देखो, टेक्स्ट स्प्लिट क्या करता है? उस टेक्स्ट को कॉलम्स में या रो में स्प्लिट करा सकता है। देखो, इधर मैं करवाता हूँ इक्वल टेक्स्ट स्प्लिट, ठीक है, ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर देखो, सिर्फ दो ही पैरामीटर वो मैंडेटरी है, बाकी ऑप्शनल है। टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, कोमा यूज़ करेंगे, कॉलम डेलिमीटर या रो डेलिमीटर करना है, या फिर आपने कुछ, ये हम ऑप्शनल है, जो इग्नोर एम्प्टी, कहीं पे एम्प्टी है वो हमने इग्नोर कराना है ना, मैच मोड क्या रखना है, और पैड विथ, ये हम समझने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनको स्प्लिट करा रहे हैं। डेलीमीटर क्या है? डेलीमीटर हमारे पास यहाँ पे कोमा है, आप इन्वर्टेड कोमाज में ऐसे डेलीमीटर यूज़ कर लें, आपके पास जो भी है, स्पेस है, डैश है, वो डेलीमीटर यूज़ कर लें। ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। देखो, हमारी सारी वैल्यू कॉलम्स में स्प्लिट हो जाएंगी, या फिर आपने रो में स्प्लिट कराना होगा, तब हम क्या करेंगे, हम दूसरे वाले जो कॉलम डेलीमीटर है उसको तो छोड़ देंगे ब्लैंक, और तीसरे में यूज़ कर देंगे हम कोमा, बस रो का हो जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे तो ये रो में स्प्लिट हो जाएंगी। तो आप टेक्स्ट स्प्लिट का फंक्शन समझ गए, हम टेक्स्ट स्प्लिट का यूज़ करेंगे इसके अंदर। हम करते हैं इक्वल सम, हमने सम करना है, किसको कम कर सम कराना है हमने, पहले इस टेक्स्ट को हम स्प्लिट करा दें कॉलम्स के अंदर। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फंक्शन टेक्स्ट स्प्लिट, ठीक है। टेक्स्ट स्प्लिट के अंदर देखो, वही पैरामीटर मांग रहा है, टेक्स्ट हमने ये दे दिया, कोमा, डेलीमीटर हमने कोमा डाल दिया, बस ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एंटर प्रेस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने इसको स्प्लिट किया है कॉलम्स में, है ना, नंबर्स में हमने कन्वर्ट नहीं किया है। नंबर में कन्वर्ट कराना है इसको हमने टेक्स्ट को, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे माइनस साइन। यदि हम एक बार माइनस साइन यूज़ करके एंटर प्रेस कराते हैं तो हमारी वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसको पॉजिटिव में कराना है तो हम यहाँ पे डबल माइनस यूज़ करेंगे और एंटर प्रेस करा देंगे, हो गया सम, इसी को हम नीचे तक फिल कर देंगे। अच्छा, कई दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ती है इस प्रकार के काम की। देखिए, यहाँ पे हमने कुछ आइटम लिए हैं और उनकी सेल है कि कितनी क्वांटिटी बिकी है इनकी, ये मंथली हो सकती है, ईयरली हो सकती है, कोई भी सेल हो सकती है आपकी, और ये जो क्वांटिटी है इसकी हमने परसेंटेज ऑफ सेल निकालनी है कि सीडी कितने परसेंट सेल हुई है, रैम कितनी परसेंट सेल हुई है, टोटल आइटम के अकॉर्डिंग किसकी परसेंटेज ज़्यादा है सेल्स की, वो हमने चेक कराना है। तो सिंपली हम उस कॉलम को सिलेक्ट रखेंगे, अपने कीबोर्ड से यूज़ करेंगे कंट्रोल क्यू, तो देखो नीचे आपके पास एक डैशबोर्ड सा ओपन हो गया। कहाँ से ओपन होता है, एस्केप करता हूँ मैं, और देखो फिर से इसको मैं सेलेक्ट कराता हूँ, जैसे सेलेक्ट करा के छोड़ देंगे तो नीचे एक बटन आ जाता है, ये ना, ये हमारा क्विक एनालिसिस टूल है, कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्टकट है, यहाँ पे क्लिक कराएंगे। इसके बाद हम चले जाएंगे टोटल्स के अंदर, टोटल में देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है सम, एवरेज, काउंट, है ना, टोटल परसेंटेज, रनिंग टोटल, सम, थोड़ा और आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टोटल परसेंटेज, ये वाला,
ठीक है, इस पर क्लिक करा दे बस एकदम से, हमारी सभी की परसेंटेज यहाँ पे निकल के आ जाएंगी। तो सबसे बेस्ट सेल कौन सी है, 17.54, ये हमारी टॉप सेल है। इसके बाद ये आ रही 16.58, ऐसे हम उनको परसेंटेज में ले सकते हैं। अच्छा टूल था क्विक एनालिसिस करने के लिए, और क्विक एनालिसिस करने के लिए इस टूल को मैंने पूरी तरह से डिफाइन किया है, इसकी सभी शॉर्टकट बताई है, वो वीडियो आप हमारा जरूर देखें। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब बात करते हैं, हम कोई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मैं कोई भी अपना एक वीडियो प्ले करा लेता हूँ। देखो ये मैंने एक अपना वीडियो प्ले कराया हुआ है, क्लियर, और इसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है। इस तरह से आपने प्रैक्टिस के लिए उस वीडियो में से ये डेटा अपनी एक्सेल फाइल में लेना है, तो बगैर कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ किए हम डायरेक्ट एक्सेल से ले सकते हैं। हम अपना एक्सेल ओपन करा लेंगे और एक्सेल के अंदर ले लेता हूँ एक ब्लैक सीट, इस सीट पे चले जाएंगे, इसको ओपन रहने देंगे और अपने उस वीडियो को भी ओपन करा लेंगे। यहाँ पे हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट विंडो और एस, ठीक है, तो आपके पास इसका एक स्क्रीनशॉट आएगा, हम स्क्रीनशॉट को चूज कर सकते हैं हमने कहाँ से कितना स्क्रीनशॉट लेना है। तो हम अपने माउस से प्लस एरो से जितना हमको टेक्स्ट चाहिए उतना हम टेक्स्ट इस प्रकार से सेलेक्ट करा लेंगे, ठीक है, जितना हमको टेक्स्ट लेना है वो सिलेक्ट करा लेंगे और छोड़ देंगे, तो ये फाइल क्लिपबोर्ड के अंदर जाके सेव हो जाएगी। हम एक्सेल में चलते हैं वापस से, एक्सेल के क्लिपबोर्ड में सेव हुई है, और वो कहाँ से देखेंगे, उसके लिए हम जाएंगे डेटा के अंदर। डेटा में आपको यहाँ पे जो गेट एंड ट्रांसफॉर्मर्स डेटा दिख रहा है, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे फ्रॉम पिक्चर, इसको हम सेलेक्ट कराएंगे, और यहाँ पे मिलेगा देखो पिक्चर फ्रॉम क्लिपबोर्ड, जो पिक्चर हमने ली है वो क्लिपबोर्ड में चली गई है, इस पर क्लिक करा लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये लोडिंग हो रहा है, डेटा फ्रॉम पिक्चर, जो हमने अभी पिक्चर ली है उससे डेटा यहाँ पे लोड होने लग रहा है, ये कुछ समय लेगा और पूरा डेटा यहाँ पे लोड हो जाएगा। देखो ये पूरा डेटा हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था कंप्लीट आ गया, यहाँ पे नीचे ये डेटा दिखा रहा है जो भी हमारे पास वहाँ पे था। इसको हम रिव्यू करके देखना चाह रहे हैं या सिंपल इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, तो कहाँ पे इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, हम कर्सर पोजीशन को वहीं पे छोड़ देंगे। मैं कर्सर पोजीशन स्टार्टिंग में छोड़ता हूँ और इंसर्ट करा देता हूँ डेटा को, और इधर से कर देंगे इंसर्ट एनीवे पे क्लिक। देन देखो हमारा डेटा यहाँ पे कंप्लीट आ गया, जो भी डेटा हमने वहाँ पे लिया था जितना सेलेक्ट किया था वो सारा यहाँ पे आ चुका है। इसको अब आराम से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इनकी सेटिंग करा सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको बोल्ड करा दिया, ये मैंने यहाँ पे कट करके प्रोडक्ट्स को ऊपर रख दिया, फालतू रो बच गई, इस रो को हम डिलीट करा देंगे। तो इस प्रकार से हम प्रैक्टिस के लिए डेटा ले सकते हैं और उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब डेटा जब इम्पोर्ट ही कर रहे हैं तो एक ट्रिक और देखते हैं। थैंक्स, लव यू। मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है जिसके अंदर मेरे पास कुछ डेटा है। यहाँ पे देखिए ये पीडीएफ फाइल है मेरे पास, ठीक है, इस पीडीएफ फाइल का नाम है ग्रुप बाय एंड पीवेट बाय। ये हमारे पास डेटा है लगभग 2 पेजेस का है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने एक्सेल में लेना है। तो वापस से एक्सेल फाइल पे चले जाएंगे, ठीक है, कहीं भी ब्लैंक सीट ले लेते हैं, और इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन नज़र आएगा यहाँ पे गेट डेटा, हमने डेटा कहाँ से लेना है ना। इसमें देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम डेटाबेस, जहाँ से भी आप ले रहे हैं, हमने फ्रॉम फाइल से लेना है ना। कौन सी फाइल से लेना है, हमने पीडीएफ फाइल से लेना है, तो पीडीएफ फाइल पे क्लिक करा देंगे, और वो पीडीएफ फाइल हमने कहाँ पे रखी है, वो हमने रखी है डेस्कटॉप के ऊपर और ग्रुप बाई बाई पेवेट बाई, यही थी पीडीएफ फाइल, ओपन करा लेंगे। देखो हमारे पास एक नेविगेटर ओपन होके आ गया जिसके अंदर दिखा रहा है टेबल 1, टेबल 2, पेज 1, पेज 2, यानी कि मैंने वहाँ पे दिखाया था कि 2 ही पेज थे हमारे पास, है ना, तो जितने पेज होंगे उतनी टेबल यहाँ पे दिखाएगा। 2 पेज थे 2 टेबल दिखा रहा है, 5 पेज होंगे तो 5 पेज यहाँ पे दिखाएगा और 5 ही टेबल दिखाएगा। अब आप यहाँ से टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं या पेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ भी देखो टेबल 1 पेज 1, टेबल 2 पेज 2, यानी कि दूसरी टेबल दूसरे पेज पे है, पहली टेबल पहले पेज पे है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करें या यहाँ से हम इनको चेक कराएंगे, तो जैसे चेक कराता हूँ देखो पूरा डेटा पेज वन का इधर दिखा रहा है, क्लियर। दूसरे को हम देखेंगे तो दूसरा हमारा डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। हमने दोनों को यहाँ पे चेक कराना है, और दूसरे को भी चेक कराने के लिए यहाँ पे देखो कह रहा है सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, इसको चेक कराएंगे पहले, फिर हम पेज वन को और पेज टू को। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे, देखो मिल रहा है लोड, लोड के अंदर आपको मिलेगा लोड टू, हमने कहाँ पे लोड कराना है इसको और कैसे लोड कराना है, हमने एज ए टेबल, एज ए पीवेट टेबल रिपोर्ट, एज ए पीवेट चार्ट,
तो हमको क्या करना है यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करानी है, टेबल को चेक करा लेंगे और इसको रखना चाहें रख सकते हैं। न्यू वर्कशीट, हमको देखो न्यू वर्कशीट ही चाहिए, एग्जिस्टिंग में नहीं चाहिए, नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाएंगी दोनों दो पेजेस की। और हम डेटा मॉडल ऐड करना चाहें तो चेक रखेंगे, वरना अनचेक कर सकते हैं और ओके करा देंगे। थोड़ा सा वेट करें, आपका पूरा डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे टास्क पेन भी उसकी ओपन हो चुकी है, जहाँ पे हमारे पास दोनों टेबल दिखा रहा है ना, और ये टेबल भी हमारे पास आ चुकी है। एक दूसरा पेज ये आ गया, पहला पेज यहाँ पे था, दोनों पेज हमारे पास यहाँ पे आ गए। बाकी इनको अगर हमने कॉन्कैट करना है, कॉन्कैट कह रहा हूँ, हमने इनको कॉन्सुलेट कराना है तो कॉन्सुलेट आसानी से हो जाएगा। हम इधर से सीट को यूँ चेंज करके चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करा के भी चेक कर सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, हमारा डेटा यहाँ पे ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है। तो ये कुछ ऐसी ट्रिक्स थी जिनकी मदद से हम अपने काम को आसान बना सकते हैं, अपने काम करने की क्षमता या उसकी स्किल को बढ़ा सकते हैं। हमने डेटा कहाँ से चाहिए, कैसे चाहिए, है ना। और इसी प्रकार की और भी ट्रिक्स अच्छी अच्छी सीखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पर तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।